फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज सोनी फ्रॉम सोनीज कॉर्नर. वेलकम टू माय चैनल. तो फ्रेंड्स, आज हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और इसमें हम पुराने स्वेटर को यूज करने वाले हैं. तो इसमें हम पुराने स्वेटर को यूज करके एक बहुत ही सुंदर सॉक्स टाइप मोजड़ी बनाएंगे और बहुत ही इजी है इसे बनाना. ये हमें जो सामान चाहिए मैं आपको बता रही हूँ. तो इसके लिए हमें एक पुराना स्वेटर चाहिए होगा और ये हमने पेपर पर अपने पैर के हिसाब से निशान लगाया है और पेपर पर अपने पैर का एक निशान बनाकर उसे कट कर लेना है. ये साइज के लिए आपको बता रही हूँ मैं. और इसके साथ साथ हमें स्केल चाहिए होगा, सीजर चाहिए होगी और ये दो पॉम्पम है जिसको हम मोजड़ी में यूज करने वाले हैं. तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट. किसी भी प्लेन पेपर के ऊपर हमें अपने पैर का निशान ड्रॉ करके काट लेना है. तो ये देखिए, ये मैंने अपने पैर का निशान लगाकर इसको कट कर लिया है. उसके बाद हमें पुराना स्वेटर लेना है जिसकी हम मोजड़ी बनाने वाले हैं. इसको ओपन करेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पैर का निशान जो है वो 9.5 इंच है, लेकिन हमें जो साइज यहाँ पर लेना है वो 1.5 इंच ज्यादा लेना है. तो हमें यहाँ पर जो साइज चाहिए है मोजड़ी का, तो वो 11 इंचेस चाहिए. 9.5 इंचेस का हमें हमारा पैर है, तो हम यहाँ पर कट करेंगे 11 इंचेस. और 11 इंच निशान लगाने के बाद हमें दूसरी साइड से भी 11 इंचेस का ही निशान लेना है. इधर से निशान लगा देना है और मार्क कर देना है इस तरीके से. ये हमने 11 इंचेस का निशान लगा. हम 11 इंचेस का इधर भी हम और इधर से भी हम निशान लगा देंगे और ये हमारा स्क्वायर पीस निकल आएगा. हमारे पास दो पीस निकलने वाले हैं. इधर से हम कट करेंगे और इधर से जो ये स्टिचिंग है ये हम खोल लेंगे. तो चलिए अभी हम इधर से कट कर लेंगे. ये हम निशान के ऊपर कट कर लेते हैं. ये हमने 11 इंचेस लंबाई कट कर ली है. अभी हम नेक्स्ट चौड़ाई की तरफ जो हमने निशान लगाया है 11 इंचेस का, वो भी कट कर लेंगे. और ये स्क्वायर पीस हमारे पास निकल आएगा 11x11 का. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो 11x11 के दो पीस हमने स्वेटर में से निकाल लिए. फ्रेंड्स, हमारे पास स्क्वायर पीस आ गया है. तो अभी हमें एक कॉर्नर से उठाकर दूसरे कॉर्नर पर रखना है. हमारे पास ट्रायंगुलर पीस आ जाएगा. तो अभी हमारे पास ये जो ओपन पोर्शन है वहां पर सिलाई कर देनी है. ये पोर्शन हमें सारा सिलाई कर देना है, पूरा यहाँ पूरा हमें सिलाई कर देना है. और दूसरी साइड से जो ओपन पीस है वहां पर हमें कुछ इतना स्टिच कर देना है. तो अभी हम यहां से और यहां तक स्टिच कर लेंगे इसको. ये कॉर्नर से लेकर हमें इस कॉर्नर तक पूरा और यहां तक हाफ से थोड़ा कम हमें स्टिच कर देना है. ये हमने स्टिच कर दिया है और अभी हम ये कॉर्नर्स लेंगे और इसको इस तरीके से पकड़कर यहां से ये सिलाई कर देंगे ताकि एड़ी का पोर्शन बन सके. तो ये हमने इधर से पकड़कर
ये पोर्शन को स्टिच कर देना है। करीबन एक इंच का हमने गैप छोड़ा है और इसको हमें ये हमने स्टिच कर दिया है। ये हम सीधा करेंगे, सीधा करके आपको बता रहे हैं। ये हमारी मोजड़ी का कुछ इस तरीके से आकार नजर आएगा। ये बैक का पोर्शन है, पैर के आगे का हिस्सा बन गया और ये बैक साइड का, और ये जो ओपन्स है और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके की मोजड़ी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। और ये पोर्शन को हमें उठाकर इधर स्टिच करना है, ऊपर होगा और ये हमने इसको फोल्ड करना है, लेकिन ये जो फोल्ड है ये बाहर की तरफ आएगा। ये हमने कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करना है क्योंकि ये उल्टा साइड में, उल्टी साइड में टर्न होने वाला है, इसलिए हमें इसको फिनिश करने के लिए राइट हैंड साइड में लेना होगा। हमें कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करके फिनिश करना है। तो इसको फिनिश करने के लिए हमें इसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें बाहर की तरफ फोल्ड करना है क्योंकि हम जब इसको बाहर लेंगे तो यहां से फिनिश दिखाई दे, इसलिए हमें ये स्टिच करने के बाद ये जो ओपन पोर्शन है उसको हमें बाहर की तरफ लेकर यहां पर फिनिश करना है। ये हमने जो सिलाई लगानी है ये यहां पर आनी चाहिए, तो इसको हम बाहर की तरफ फोल्ड करके फिनिश करेंगे। तो देखिए ये हमने इसको बाहर की तरफ फोल्ड करना है और यहां पर इसको स्टिच करना है। इसको अंदर की तरफ हमने फोल्ड नहीं करना, बाहर की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए इसको पूरा फिनिश कर देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने फिनिश कर दिया है सारे पोर्शन में। ये हमने फिनिश कर दिया है, अभी इसको हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोजड़ी का नीचे वाला हिस्सा है, ये बैक पोर्शन है और ये जो ओपन वाला पोर्शन है इसको हमें आउटवर्ड फिनिश कर दिया है और इसको अभी हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारी मोजड़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है और ये आगे वाला पोर्शन जो है इसको उठाकर हम यहां पर स्टिच करेंगे और यहां पर हम पॉम्पॉम को लगाएंगे ताकि एकदम से मोजड़ी की लुक आए। इस तरीके से हमें इसको पकड़ लेना है और यहां पर हम इसको स्टिच करेंगे और उसके बाद हम पॉम्पॉम लगा देंगे।
ये हमने इसको अटैच कर दिया है लेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखते हुए इसके साथ ही अटैच कर देंगे। ये हमारा पोम-पोम भी अटैच हो गया है। अभी हम इसको कट जो है वो कुछ इस तरीके से हमारा नजर आएगा और फ्रंट पोर्शन जो है वो इस तरीके से नजर। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी मोजड़ी सॉक्स की फाइनल लुक बहुत ही अच्छी बनी है। मुझे उम्मीद है आपको भी ये पसंद आई होगी और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।